Hey, what is up guys? Welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. So guys, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई अच्छा, बहुत ही अच्छा जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम का रिकवरी है. मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रिकवरी मुझे लग रहा है, जो क्योंकि मुझसे वो चीज़ जो है वो रिलेटेबल है कि भाई अभी बहुत ही अच्छे तरीके से जो कल हमने वीडियो डाली थी तो उसका जो प्राइस था वो था 1700 के अराउंड था और वो लोएस्ट गया था 1500 तक गया था. उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी है तो मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ. और बाकी अगर देखने जाए तो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉइन्स जो है वो उनकी भी रिकवरी अच्छी है. BNB हो गया, फिर उसके अलावा ये जो है वो अभी भी एज इट इज़ है, लेकिन हाँ अच्छा 551 से यहाँ पे 652 तक आया है तो अच्छा है. $100 की इसके अंदर भी रिकवरी है. तो दोस्तों आज की वीडियो के दो सब्जेक्ट है. एक तो पहली चीज़ के भाई एक वीक हो गया तो मेरा जो है वो पे आउट आ चुका है, तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि जो मेरा इथेरियम का पे आउट है वो कितना है, मेरा माइनिंग का एक वीक का, दूसरा जो अभी जो पे आउट है वो कितना आया है. जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा जो लास्ट यस्टरडे जो मैंने वीडियो डाली थी उस टाइम पे दिखा रहा था $8 दिखा रहा था और हम लोग थे अंडर प्रॉफिट थे. तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई आज के रेट के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट कितना दिखा रहा है. उसके बाद दोस्तों बहुत ही खास वीडियो है ये, भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे सबजोत सिंह है जो वो भाई ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मेक अ वीडियो ऑन नाइस हैश विड्रॉल फ्रॉम रुपीज ऑन बायनांस. तो भाई बायनांस के अंदर से किस तरीके से जो है वो अपने फिएट करेंसी मतलब INR के अंदर विड्रॉल हो सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन बिटवीन द वीडियो. तो गाइज ये पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखना गाइज. और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा था, मेक अ वीडियो ऑन नाइस हैश विड्रॉल फ्रॉम WazirX प्लीज. तो ये तो इजी है, लेकिन मैं दोनों चीजें दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से बाइनांस के ऊपर से आप इंडियन करेंसी के अंदर पैसे जो है वो इंडिया के बैंक अकाउंट में ला सकते हो, और दूसरा इनका जो क्वेश्चन है कि भाई नाइस हैश के थ्रू WazirX के अंदर किस तरीके से पेमेंट जो है वो आ सकती है. लेकिन उससे पहले चलिए रेट तो आप लोगों ने देख लिया तो मैं अपना माइनिंग पे आउट्स भी दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे ये जो है मेरा डैशबोर्ड है, तो अभी जो चल रहा है पे आउट, तो आज मतलब कल से जो अभी जो पे आउट हुआ उसके बाद अभी $11 ये था और मेरा एस्टिमेटेड अर्निंग है अभी $14. और यहाँ पे आउट में अगर देखने जाए तो ये मेरा लास्ट पे आउट है. तो चलिए अभी इसको कॉपी कर लेते हैं 0.05010 और आज की डेट 23rd का कर लेते हैं. यहाँ पे 23/05/2021.05/10 कितना है 0.05110 यस ETH ठीक है. और आज के रेट के हिसाब से अगर गिनने जाए हम लोग तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है वो देख लेते हैं. इथेरियम यूएस डॉलर अगर देखने जाए तो वो है $122. तो सीधा अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, एक मिनट मैं आप लोगों को कन्वर्ट करके ही बता देता हूँ. तो भाई 0.0510 मल्टीप्लाई बाय अभी रेट चल रहा है वो है, अभी का रेट देख लेते हैं, अभी जो है वो 2400 एग्जैक्ट चल रहा है. तो हम लोग इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2400 $122 और परफेक्ट था. और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको विथ 72 रुपीज़ के साथ, तो आज हमारा पेमेंट होगा 8812 रुपीज़. तो ये हमारी तीसरे वीक की इनकम है दोस्तों. बहुत ही गर्मी है गाइज, ज़बरदस्त गर्मी है. तो यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ. तो भाई ये मेरी तीसरी वीक की पेमेंट भी आ गई. अब जो लास्ट वीक की पेमेंट आएगी उस टाइम पे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा कि भाई उस टाइम पे उस रेट के हिसाब से क्या पे आउट होगी. और हम लोगों ने कल भी जो है वो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी गिना था और कल के रेट के हिसाब से जो हमारी बात हुई थी तो भाई हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफ़ी डाउन थी और जैसे मैंने बताया था कि वो एक साल से भी ज़्यादा चल रही थी. तो अभी अगर एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग गिनूँ तो $425 दिखा रहा है. 425 मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर देंगे 12 महीने और उसका मल्टीप्लाई करेंगे विथ 72 रुपीज़,
67,200 और यहाँ पे है हमारा 223,925। तो यस अगेन हम लोग बहुत ही अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुके हैं दोस्तों। तो यही चीज है जो मैं आप लोगों को कल समझाना चाहता था कि भाई आप जो है अपना क्रिप्टो या जो भी चीज है तो आप जब भी खर्चा करते हो तो उस हिसाब से डालो कि भाई अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाता है, जैसे कल था कि भाई 1500 तक पहुंच गया था और उस टाइम पे जो अपना जो माइनिंग पे आउट था तो वो आ रहा था $2-2.5 पर कार्ड चल रहा था, जो अभी ऑटोमेटिकली हो गया $4 पर कार्ड। ठीक है, तो वही $3.5-4 पर कार्ड जो अभी जो आ गया है वो। तो यही चीज दोस्तों मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि भैया अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो तो उसको ध्यान से देखो, आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी ध्यान से करिए कि जिसके हिसाब से आप जो है वो सही तरीके से कैलकुलेशन बिठा पाए और उसके बाद इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ये जो ग्राफिक कार्ड्स हैं इनके रेट जो है वो अभी काफी ज्यादा है और जब भी क्रैश होगा तो आप बिलीव मी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे दाम में ग्राफिक कार्ड मिल सकते हैं और उसके बाद आप इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर जो है वो माइनिंग वगैरह कर सकते हो। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अभी सिर्फ होल्ड ऑन करिए, या तो फिर अगर आपके पास कैश है तो ग्राफिक कार्ड जितना कैश अगर पड़ा है तो आप इसको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लीजिए तो सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड जो है वो शायद अगर प्राइस गिरा तो ऑब्वियसली कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं होगा जिस प्राइस में आपने लिया है। तो ये एक मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैं चलाता हूं और मेरे हिसाब से वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप लो इस प्राइस के अंदर लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। राइट गाइस, तो चलिए चलते हैं नाइस हैश के ऊपर। तो नाइस हैश के अंदर अगर आप लोग माइनिंग करते हो तो डेफिनेटली जब भी आप माइन करोगे तो माइनिंग के अंदर ये रहेगा कि आपको जब भी माइन करना है तब आपको जो माइनिंग एड्रेस होगा तो उसका जो नाइस हैश का एड्रेस है वो अलग रहता है वो जो बिटकॉइन का एड्रेस होगा। तो जब भी आप नाइस हैश का यूटिलिटी डाउनलोड करोगे, माइनर डाउनलोड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे लॉग इन करोगे तो आपका ये जो माइनिंग एड्रेस है तो वो ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है इन योर माइनिंग सॉफ्टवेयर, अनलेस कि आप दूसरा कोई अकाउंट इसके अंदर लॉग इन कर रहे हो। अब उसके अंदर से कैश हमने को वापस लेना है, मतलब पे आउट लेना है, तब क्या करें? तो भाई आप जाए अपने वॉलेट के अंदर, आपके जो भी बैलेंस है सारा का सारा वॉलेट के अंदर आएगा, जो अगर आपने डिपॉजिट करा है, अगर कहीं दूसरे करेंसी भी लेकर आए हो, यहाँ पे दूसरी कॉइन अगर लेकर आए तो वो भी सारा का सारा बैलेंस जो है आपको यूएसडी में यहाँ पे दिखेगा, बिटकॉइन में देखना है तो यहाँ पे मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ के अंदर आपको पूछेगा कि भाई आपका एड्रेस डालिए, तो यहाँ पे आप जो है अपना नया एड्रेस डाल सकते हो। तो जैसे अपना वजीरेक्स जो हमारी बात हुई थी कि भाई वजीरेक्स से कैसे इसके अंदर जो है वो पे आउट लेना है, तो यहाँ पे वजीरेक्स ओपन करेंगे, वजीरेक्स के अंदर BTC डालेंगे यहाँ पे जो फिल्टर होगा कॉइन। अब उसके अंदर से यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको अपना BTC एड्रेस मिल जाएगा, उसको सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे जो एड्रेस आएगा कि एड न्यू विड्रॉल एड्रेस, तो यहाँ पे नया विड्रॉल एड्रेस, यहाँ पे बिटकॉइन सिलेक्ट करेंगे, बिटकॉइन विड्रॉल एड्रेस, और यहाँ पे आपका जो निक नेम है या तो फिर कोई भी एड्रेस का नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे पुराना डाला हुआ था, ये रहा, यहाँ पे अगर मैं डालूंगा विड्रॉल टू वजीरेक्स नीरज, तो ये मेरा जो वजीरेक्स का एड्रेस है तो बिटकॉइन का, तो उसके अंदर ही जो है पे आउट जाएगा। और यहाँ पे आप कर दीजिए यूज मैक्स अगर आपको पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो ले लेना है, बस यही आप लोगों को करना है टू विड्रॉ फ्रॉम नाइस हैश। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो नाइस हैश के ऊपर से अपने वजीरेक्स के अंदर जो है वो इंडियन करेंसी के अंदर विड्रॉल ले सकते हैं। बस उसके बाद इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी इंडियन करेंसी का जो विड्रॉल अभी भी अनेबल ही है, तो आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो भी है, क्योंकि जैसे आपने वजीरेक्स का अकाउंट बनाया होगा उसी टाइम पे आप लोगों ने अपना KYC करके बैंक अकाउंट वगैरह भी डलना ही होता है, तो वो ऑटोमेटिक कर लिया होगा, तो उसी के अंदर जो है आपका विड्रॉल आ जाएगा। अब बात कर लेते जो मेन चीज जो हमारा आज का टॉपिक है वो, कि भाई यहाँ पे हम लोग जो है वो बाइनेंस के अंदर से किस तरीके से जो है अपना बैलेंस या अपने कॉइन अगर आपने ट्रेड करा है बाइनेंस के अंदर तो उसमें से किस तरीके से अपना जो इंडियन करेंसी के अंदर पेमेंट जो है वो वापस ला सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, आप जाए फिएट एंड स्पॉट में, तो फिएट करेंसी में जाएंगे और या तो फिर यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे फिएट एंड स्पॉट, और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे विड्रॉ पे। विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक तो पहले तो पूछेगा कि आपको इधर BTC में, मतलब
तो या तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि या तो आपको कोई क्रिप्टो में चाहिए पेमेंट, या तो फिर आपको चाहिए इन फिएट करेंसी। तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे विड्रॉ इन फिएट, तो दूसरा टैब ओपन होगा। बस यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे आपको जाकर नीचे जो है वो यूएसडी सिलेक्ट कर लेना है। ये यूएसडी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर गेट बैंक स्विफ्ट विथ स्विफ्ट कोड। तो ये जो स्विफ्ट कोड है, तो ये जो है वो ग्लोबल कोड है गाइस। तो इससे ये होगा कि आप डायरेक्टली कोई भी दुनिया की कोई भी बैंक में है तो वो आप यूएस डॉलर के अंदर जो है अपने पेमेंट ले सकते हो। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपका जो भी बैलेंस है आपको बीयूएसडी में कन्वर्ट करवाना है, बाइनांस यूएसडी जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपके पास इथेरियम है तो आप इथेरियम को बीयूएसडी के अंदर ट्रेड कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका बैलेंस दिख जाएगा। बस आपको उसके बाद यहाँ पे यूएसडी सिलेक्ट करके सिल्वर गेट यूएसडी सिलेक्ट करना है और सिल्वर गेट बैंक सिलेक्ट करना है। वो स्विफ्ट के स्विफ्ट कोड के साथ आपको आपके इंडियन बैंक के अंदर जो है वो पे आउट मिल जाएगा। स्विफ्ट कोड क्या होता है? तो वो बैंक का कोड होता है। जैसे इंडिया के अंदर जो इंडियन बैंकिंग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए अपना आईएफएससी कोड होता है, बस उसी तरीके से ग्लोबली जो सारी बैंक है वो कैसे कनेक्ट करती है, वो स्विफ्ट कोड के थ्रू कनेक्ट करता है। तो आप लोगों को आपके बैंक के अंदर से स्विफ्ट कोड लेकर आना है और यहाँ पे जब भी आप रिसीविंग बैंक के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर आपको अपना कोड जो है वो डाल देना है। तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो भी पेमेंट है वो आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर हेल्प देखोगे तो उसके अंदर भी पूरा लिखा ही है कि जो स्विफ्ट सिल्वर गेट बैंक है इज अ न्यू पेमेंट मेथड विच अलाउज इंटरनेशनल यूजर्स टू गेट डिपॉजिट ऑफ देयर यूएस डॉलर वाया देयर लोकल बैंक अकाउंट इन देयर लोकल बैंक अकाउंट। प्लीज नोट सिल्वर गेट ओनली सपोर्ट स्विफ्ट ट्रांसफर्स। तो जैसे मैंने बोला, आप लोगों को आपकी बैंक की ब्रांच में से स्विफ्ट कोड ले लेना है। आपके शायद पासबुक या तो फिर चेकबुक के ऊपर शायद ये कोड नहीं लिखा होगा क्योंकि मेजोरिटी जो है वो इंडिया के अंदर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको आपकी ब्रांच के अंदर कॉल करना है और यहाँ से सिर्फ आपका स्विफ्ट कोड ले लेना है। या तो आपके नेट बैंकिंग होगा तो उसके अंदर भी ये स्विफ्ट कोड लिखा होगा, तो वहां से बस ये कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप जो है वो इंटरनेशनल यूजर सबके लिए ये जो चीज है वो अवेलेबल है। तो बस आपको यही करना है कि आपके जो अकाउंट में जाकर यहाँ से मैंने जैसे बोला यूएसई सिलेक्ट करिए, सिल्वर गेट स्विफ्ट वो सिलेक्ट कर लेना, दूसरा वाला करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा SWIFT वाला ही स्विफ्ट कोड वाला ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका जो है वो अमाउंट डाल देना है। बस इतना कर दोगे और यहाँ पे कंटिन्यू करके जो भी डिटेल्स आपकी पूछेगा, जो बैंक अकाउंट हो गया फिर स्विफ्ट कोड हो गया, वो दोनों चीज़ें डालकर बस रिक्वेस्ट डाल देना। तो आपका जो है वो 3 से 4 दिन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 से 4 दिन मैं बोल रहा हूँ, 4-5 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाता है गाइस। सो बहुत इजी है गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे आप लोगों को ये जो डाउट्स है और सबजोत सिंह जी ने जो भी ये टॉपिक डाला था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि स्विफ्ट कोड के साथ भी हम लोग जो है वो INR और विड्रॉ कर सकते हैं। और ये चीज़ हेल्पफुल तब होगी जब शायद इंडिया जो है वो क्रिप्टो अगर बैन कर दिया तो कौन सा रास्ता रहेगा, तो ये रास्ता शायद ओपन रहेगा क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भाई ये जो बाहर का बैंक है तो वो अगर डायरेक्टली आपको पैसा भेज रहा है तो उसके लिए उसके ऊपर कोई कंट्रोल रहता नहीं इंडियन गवर्नमेंट का, तो वो लोग डायरेक्टली आप लोगों को पैसे भेज सकते हैं जो ये थर्ड पार्टी ट्रांसफर जैसा ही हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी सेफ रास्ता भी रहता है। तो ये आपको यूएसडी के अंदर कन्वर्ट होगा और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो बैंक है आपके आपके ऊपर फोन में हो जाएगा कि भाई इतना एक्सचेंज रेट चल रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।